किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली के बाद कुंवार का क्या भाव रहेगा, कुंवार के भाव में कितनी तेज़ी बन सकती है और आने वाले समय में कुंवार का क्या भाव रहेगा, कुंवार में तेज़ी आएगी या मंदी। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम कुंवार की तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित व मंडी भाव की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दीपावली के बाद कुंवार का क्या भाव रहेगा। किसान भाइयों, अभी कुंवार के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और कुंवार का भाव प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। किसान भाइयों, बात करें दीपावली के बाद की तो किसान भाइयों, कुछ जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में यानी कि दीपावली के बाद कुंवार के भाव में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि किसान भाइयों त्यौहार इस दिन के चलते हर साल कुंवार की अच्छी खासी मांग होती है, हर साल अच्छी खासी डिमांड होती है। किसान भाइयों, अगर इस साल भी त्यौहार सीजन के चलते अगर कुंवार की अच्छी खासी मांग होती है तो कुंवार के भाव में काफ़ी सुधार हो सकता है और आने वाले समय में कुंवार के भाव में काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी आ सकती है। किसान भाइयों, कुंवार में तेज़ी आने के कारण की बात करें तो किसान भाइयों, कुंवार का उत्पादन कम होना, कुंवार का निर्यात होना, कुंवार की अच्छी खासी डिमांड होना, कुंवार की आवक कम होना, किसान भाइयों ऐसे बहुत से कारण हैं जिसे आने वाले समय में कुंवार के भाव में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है और कुंवार का भाव 15,000 का आंकड़ा छू सकता है। किसान भाइयों, अनुमानकर्ताओं का मानना है कि आने वाले समय में यानी कि दीपावली के बाद कुंवार के भाव में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है और आने वाले समय में कुंवार के भाव में काफ़ी ज़ोरदार तेज़ी आ सकती है। किसान भाइयों, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कुंवार के भाव में ज़ोरदार तेज़ी आ सकती है। किसान भाइयों, ये थी छोटी सी जानकारी। जानकारी पसंद आई हो तो अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें। किसान भाइयों, आप अपने माल को बेचने व खरीदने का निर्णय अपने स्वयं के मार्ग से लें। किसान भाइयों, मिलते हैं अगले से नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।